तो गाइस यार आज जो है आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ ट्रेन की एग्जैक्ट स्पीड। जी हाँ गाइस, आपने कभी भी नहीं देखा होगा या फिर नहीं सोचा होगा कि जो ट्रेन है वो एक्चुअली के अंदर किस रफ्तार से चलती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ साथ में यहाँ पर एक ट्रेन जा रही है और हम गाड़ी को इसके साथ में चलाएंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो वाली जो ट्रेन है वो किस रफ्तार से जा रही है। तो गाइस यार आप देख सकते हैं कि हमारी जो गाड़ी है अभी वो चल रही है लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और जो ट्रेन है वो भी इसी रफ्तार से चल रही है। वाओ कमाल हो गया यार गाइस, नजारा देख रहे एक बारी। साथ साथ में ट्रेन चल रही है भारतीय रेल और साथ साथ में रोड चल रही है और रोड पे हमारी गाड़ी चल रही है। तो गाइस यार एग्जैक्ट आप देख सकते हैं कि अभी 100 की रफ्तार है हमारी कार की भी और उस पास वाली ट्रेन की भी। इसका मतलब जो ट्रेन है वो वाली मालगाड़ी है ये चल रही है अभी बिल्कुल एग्जैक्ट 100 की रफ्तार में। वो भी इतना सारा वजन लेके जो ट्रेन है वो कितनी अभी देख लो 100 की रफ्तार से चल रही है एग्जैक्ट 100। मजा आ गया यार गाइस, ऐसा नजारा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि साथ साथ में ट्रेन चल रही हो और साथ साथ में रोड चल रही हो और रोड पे अपनी गाड़ी चल रही हो। पास से दिखाता हूँ और आपको देखो ऐसा लग रहा है चेजिंग चल रही है, फास्ट एंड फ्यूरियस वाली फीलिंग आ रही है। जी गाइस बिल्कुल वैसा ही फील आ रहा है, ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है 100 की रफ्तार पे दोनों गाड़ियां चल रही है। ये देखो भारतीय रेल, क्या बात है भाई यार, मस्त स्पीड जोरदार है यार गाड़ी की। देखो उसके पीछे वाले टायर में पंचर हो गया, पीछे वाला टायर पंचर हो गया इसलिए धीरे हो गई। अरे यार निकालना, आगे पंचर की दुकान भी नहीं है मेरे हिसाब से भाई। गाइस इधर देखो, और गाइस अब जो है हमारी जो ट्रेन है वो हमसे दूर होती जा रही है, उसका रास्ता अलग है हमारा अलग है, हमारा रास्ता भी काफी लंबा है और बेहद खूबसूरत है। देखो ये देखो गाइस, और जो ट्रेन है अभी वो दूर हो गई है लेकिन फिर भी मजा आ रहा है गाइस यार। तो ये है जैसलमेर। जी हां गाइस, तो ये अगर आपको जगह जाननी है कहाँ है तो ये जो रूट है ये है तन्नोट माता, ये वही लोकेशन है जहाँ पर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर युद्ध हुआ था तो बहुत सारे बम गिराए गए थे, सारे बम फटे लेकिन माता के मंदिर के आसपास के जितने ही बम थे वो उनमें से एक भी बम नहीं फटा और जो मंदिर था वो वैसे ही सुरक्षित रहा जैसे कि पहले था। सारी चीजें तबाह हो गई उस मंदिर को छोड़ के। तो कहा जाता है ऐसा कि वो तन्नोट माता मतलब तन्नोट माता के मंदिर के नाम से वो मंदिर फेमस है। बॉर्डर फिल्म के अंदर भी आपने शायद वो सीन देखा होगा, एक मंदिर बच जाता है तो मे भी शायद ये वही मंदिर है और काफी लोग जाते हैं राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पे जाते हैं मन्नतें मांगते हैं और कईयों की पूरी भी होती है। और बाकी इधर देखो गाइस यार, इधर चारों तरफ हवाएं तेज चलती है इस वजह से पवन ऊर्जा यानी कि विंड पावर प्लांट्स लगा रखे हैं जगह जगह पे, पवन चक्कियां।